नमस्कार, मैं जिग्नेश ऑल्ट न्यूज से। पहले एक दौर था जब गैर बीजेपी पार्टियों के खिलाफ राजनीतिक दुष्प्रचार अपने चरम पर होता था। पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि को कलंकित करने के लिए सोशल मीडिया पर कैसे दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए दुष्प्रचार फैलाया जाता है। वे कहते हैं कि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन यह तस्वीर ठीक इस कहावत के विपरीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की यह तस्वीर ने सोशल मीडिया पर एक राजनीतिक चर्चा को हवा दे दी है। चर्चा यह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान नहीं देते। तेलुगु 360 और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान बीबीसी हिंदी ने भी अपने फॉलोअर्स से इस तस्वीर को साझा करते हुए एक कैप्शन की मांग की। यूजर्स का प्रतिसाद पढ़कर ये कहा जा सकता है कि वे गुमराह हुए। अवसर था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में 100 रुपए के सिक्के के अनावरण का। अनावरण समारोह समाप्त होते ही लालकृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई। यह तस्वीर ठीक उसी समय की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से उतरने से पहले आडवाणी जी से मिलने गए। दोनों के बीच अभिवादन हुआ। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ पीछे कमर पर रख दिए, जबकि आडवाणी जी ने नमस्कार की मुद्रा से थोड़े हाथ नीचे कर लिए। यह उनकी सहज मुद्रा है। ये मुद्रा में हमने उन्हें कई बार देखा है। एक और वीडियो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आडवाणी जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए थे, वहां पर भी आडवाणी जी इस मुद्रा में देखे जा सकते हैं। ऐसी ही एक और तस्वीर जिसे आप में से कई लोगों ने जरूर देखा होगा। पीएम मोदी बीच में खड़े हैं, उनकी बाईं तरफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हाथ जोड़े खड़े हैं, तो उनके दाईं तरफ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी हाथ जोड़े खड़े हैं। कमाल का शॉट लिया है किसी ने। ये मैं नहीं कह रही, इसे शेयर करने वाले कह रहे हैं। 2 नवंबर 2018 को पोस्ट किया गया ट्वीट यह कहता है, जिस देश के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आगे हाथ जोड़े खड़े हो, उस देश का भविष्य क्या होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। यह तस्वीर अभी से नहीं, इस साल के शुरुआत से ही पीएम मोदी को निशाना बनाकर शेयर किया जा रहा है। तो क्या इस तस्वीर को देखकर प्रतीत किया जा रहा दावा सच है? ऐसे कुछ खास ही मौके हैं जहां भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों एक साथ देखे गए हों। यह मौका था 30 जनवरी 2018 को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का, जिसे शहीद दिवस भी कहते हैं। इस अवसर के एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं और उसके बाद एक कतार में खड़े रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री मोदी और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। होता यह है कि पीएम मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ जोड़कर अपना हाथ नीचे कर लेते हैं, जबकि वेंकैया नायडू उस वक्त भी अभिवादन की मुद्रा में ही होते हैं। उसी वक्त यह तस्वीर ली गई और इसे सोशल मीडिया पर यह कहकर शेयर किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं। बीजेपी के असेंबली इलेक्शंस में हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली स्पीच 16 दिसंबर को दी थी। रायबरेली में दी गई उनकी इस स्पीच को एनडीटीवी सहित काफ़ी मीडिया संगठनों ने कवर किया था। पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए एनडीटीवी ने 12:16 पर यह ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में 1250 करोड़ घरों का निर्माण हुआ है। एनडीटीवी के इस ट्वीट के कुछ ही देर बाद एआईसीसी के एससी डिपार्टमेंट ने ये ट्वीट किया कि 1250 करोड़ घरों का मतलब है कि हर भारतीय के लिए 10 घरों का निर्माण हुआ है। एससी डिपार्टमेंट ने अपने ट्वीट में ये भी कहा कि बीजेपी की 5 राज्यों में हार के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की जुमलेबाजी जारी है। एआईसीसी एससी के ट्वीट के बाद एनडीटीवी ने 2:08 पर एक और ट्वीट किया। इस बार एनडीटीवी ने ये पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में 1.25 करोड़ घरों का निर्माण हुआ है।
एनडीटीवी ने ये करेक्शन अपना पहला ट्वीट बिना डिलीट किए किया और इसी वजह से पीएम मोदी को बहुत से कांग्रेस मेंबर्स जैसे संजय निरुपम ने टारगेट किया। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसे उदाहरण देखे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया गया था। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्लिप की हुई वीडियो का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया गया था।